हेलो फ्रेंड्स योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएल डिजाइन। गाइस इस वीडियो में हम आपसे फिटिंग से रिलेटेड बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कि आपको फिटिंग में क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए, आपको ये फिटिंग का जो लेआउट होता है वो कैसे करना चाहिए और इसमें फिटिंग का डिजाइन में क्या क्या चीजें हैं, ये कौन सा फिटिंग है और इसको क्यों डिजाइन किया है, सारी बातों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस डिजाइन से रिलेटेड जिसका ये डिजाइन है उसी डिजाइन का ये वाला फ्लोर प्लान जो है, ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, इसका वीडियो मैंने भी बना दिया है और इसका जो एलिवेशन डिजाइन किया था ये भी आपका वीडियो ऑलरेडी रेडी हो गया है और इसका जो सेक्शन भी है, इन ये तीनों वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बातचीत कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और गाइस इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपके जो ड्राइंग में सेंटर लाइन दी होती है तो इसी को सेंटर लाइन लेआउट भी कहते हैं। वैसे इसको कॉलम लेआउट या फुटिंग का लेआउट करने के यूज में आती है ये ड्राइंग। तो आपका सबसे पहले ये जो मेन लाइन होती है, मेन सेंटर लाइन डाली जाती है, वो वन वन डायरेक्शन में एक आपको बेस पॉइंट दिया जाता है। अगर आपका बेस पॉइंट यही है, मान लो यही कॉर्नर लिया लिया जा रहा है बेस पॉइंट, अब माना कि यहाँ पे जो दूसरे की प्रॉपर्टी है यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, तो ये आपका एक कॉर्नर मिल गया। अब एक कॉर्नर से आपको एक सेंटर लाइन डालनी है 115 mm इधर। ये सेंटर लाइन आप किसी धागे से डाल सकते हैं या किसी और माध्यम से भी डाल सकते हैं गाइस। तो ये सेंटर लाइन आप वन वन बनाएंगे, टू टू बनाएंगे, थ्री थ्री, इसी के पैरेलल जितनी भी डायमेंशन है आपकी 20-30 यानी 2030 mm, 1820 mm, जितना इधर नाप के मेजर करेंगे उतना ही उधर भी मेजर करके और आप इस तरह की वर्टिकल जितनी भी हैं वो अपनी लाइन डालेंगे। उसके बाद में जो है आप ABCD वाली ये लाइंस आपने इसी के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। तो आप देखेंगे अगर इस साइड में दूसरी का प्रॉपर्टी है तो वहां से आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप जितना भी आपको दिया हो, जो भी बेस पॉइंट दिया हो वहां से आप मेजर कर सकते हैं। तो सिंपली इसमें जो है ये टोटल एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 150 mm है इधर, तो ये इधर साइड का भी गाइस 150 mm होता है। तो ये लाइन जो डालेंगे तो आप इधर जितनी जिसकी प्रॉपर्टी होगी उस मेन लाइन से आप अपनी प्रॉपर्टी में 150 mm अंदर साइड में ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो वहां पे आप जहां जहां पे भी आपकी ए और ए रेखा वन वन रेखा से काटेगी तो वहां पे आपको एक सेंटर पॉइंट मिलेगा। अब जैसे ये वन वन लाइन है वो ए लाइन को काट रही है, ए वाली वन वन जा रही है, इधर ए है, तो ये यहाँ पे जिस पॉइंट वो काट रही है ये आपका कॉलम C1 का सेंटर पॉइंट मिल रहा है। इस कॉलम को हम नाम दे सकते हैं, ये सर C1 क्यों बोला गया है, इसको C1 इसलिए बोला गया है इसका जो रेइनफोर्समेंट है उसकी डिटेल C1 के अकॉर्डिंग मिलेगी, बट इस कॉलम और इस फुटिंग को नाम आप A1 से ही जानेंगे। ये A1 रहेगा, A2 पे कोई है नहीं तो ये A3 रहेगा। इस तरह से आप जितने भी कॉलम और फुटिंग का है वो नामकरण कर सकते हैं। ओके, तो आपको अब जब गाइस इसका सेंटर पॉइंट मिल गया, किसका, कॉलम का, तो ये कॉलम से बता रहा है कि आपकी इस वाली रेखा से आपका कॉलम 150 mm नीचे है, तो 150 mm नीचे है और ये आपका कॉलम है सेंटर में तो 150 mm ऊपर भी होगा। ठीक है, तो यानी 150 150 300 mm का कॉलम आपको लिस्ट में दिया हुआ है, आपके पास टोटल 300 का कॉलम है, जब 150 इधर है तो 150 उधर हो जाएगा। अब ये वाली जो लाइन ही एक तरफ की दी हुई है और लाइन सेंटर में है और यहाँ पे 115 mm यहाँ पे शो किया गया है। जब हम इस C1 की डिटेल जो है, कॉलम C1 की डिटेल यहाँ पे देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, तो कॉलम का जो साइज दिया हुआ है, कॉलम का साइज 230 by 300 mm F1 है, फुटिंग F1,
देख रहे हैं आप। तो ये आपकी जो फुटिंग F1 है, इसमें जो कॉलम का साइज है वो आपका 230 बाई 300 का है, ठीक है। तो 115 mm का इस इधर हो गया, तो ये 115 ही mm इधर बचा होगा। इस तरह से हम इसका मेजर कर लेंगे और यहाँ पे ये पॉइंट दे देंगे। अब गाइस बात आती है कि कॉलम का तो हो गया, बट फुटिंग का कैसे करें, तो चलिए फुटिंग का भी दिखाते हैं। जब आपने यहाँ से कॉलम का मेजरमेंट कर ही लिया, तो आप चाहे कॉलम से डायरेक्ट यहाँ से 900 mm यहाँ इधर साइड में मेजर कर लो, और चाहे 150 mm इसमें ऐड करके 1050 mm इस सेंटर लाइन से ही इधर ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद में इस साइड में देखो, इस साइड में कितना है, इस साइड में उतना आ जाएगा गाइस। अब इसका फुटिंग का हम देखेंगे कि डायमेंशन, ये जो हमारा F1 फुटिंग है, इस फुटिंग का कितना साइज है। तो इस फुटिंग का साइज यहाँ पे देखने के लिए F1 फुटिंग ये एक्सकेवेशन है, तो एक्सकेवेशन साइज आपका 1500 बाई 1500 mm है। फुटिंग PCC साइज है वो 1300 बाई 1300 है, और फुटिंग की RCC जो है वो 1200 बाई 1200 mm है। तो जो RCC है 1200 बाई 1200 mm वो आपकी फुटिंग है। जो डॉट लाइन आप देख रहे हैं ये PCC के लिए शो कर रहा है। तो आपको जैसे अपनी RCC के लिए दिखना है, तो इस तरह से गाइस जो 150 mm है, और इधर साइड में ये जो गाइस 115 mm है, तो ये सेंटर लाइन से 115 mm माइनस कर दो, तो 1200 mm में से 115 mm अगर माइनस होगा तो आपका 1085 mm इधर साइड में मिल जाएगा, ठीक है गाइस। 1085 mm जो है इस साइड मिल जाएगा, तो ये सेंटर लाइन से यहाँ पर आप 185 mm डाल सकते हैं, तो आपका ये पूरा फुटिंग रेडी हो जाएगा RCC के लिए। इस एक्सकेवेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, एक्सकेवेशन PCC का इनका सबका साइज अलग अलग है, उस हिसाब से मार्जिन लेना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट है गाइस, ये अब दूसरी बात है कि ये आपने कॉलम जो है बिल्कुल कॉर्नर में क्यों दिया हुआ है, ये भी तो बात है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कॉर्नर में क्यों है। तो गाइस ये फुटिंग का मतलब बता दें कि अगर आपकी इधर कोई प्रॉपर्टी है, दूसरे की इधर भी प्रॉपर्टी है, तो आप दूसरे की प्रॉपर्टी में तो फुटिंग नहीं डिजाइन कर सकते हैं, ओके, ना ही बना सकते हैं। और आप अपनी भी प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं चाहते, इधर अगर माना कि 2 फुट इधर छोड़ दो, 2-3 फुट इधर छोड़ दो, तो वो भी अगर नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि प्लाट का साइज जो है कम है, तो इस कारण से आपको यहाँ पे जो है फुटिंग एक्सियल और बाई एक्सियल दो तरह की फुटिंग होती है गाइस। उससे भी पहले एक तरह की फुटिंग होती है सेंट्रिक और इसेंट्रिक। सेंट्रिक फुटिंग जो है गाइस, ये आपकी सेंट्रिक फुटिंग कहलाएगी। सेंट्रिक फुटिंग का मतलब है कि आपका जो कॉलम है वो आपके पूरे फुटिंग के सेंटर में ही हो। अब इसेंट्रिक फुटिंग क्या है, जो आपका जो कॉलम है वो फुटिंग के सेंटर में ना हो, सिंपल इसेंट्रिक हो गया। अब इसेंट्रिक के अंतर्गत दो तरह की फुटिंग होती है, एक्सियल और बाई एक्सियल। एक्सियल क्या है गाइस, एक्सियल मतलब है एक ही एक्सेस पे हो। अभी आपके एक ही एक्सेस पे है, यानी एक्स एक्सेस पे ही है कॉलम आपका, यानी बाई एक्सेस पे नहीं है, बाई एक्सेस सेंटर है, ओके, एक्स एक्सेस पे ही ये आपका कॉलम है, तो इसको एक्सियल बोलेंगे। और ये वाला बाई एक्सियल जो है ये आपका एक्स एक्सेस पे भी है और बाई एक्सेस पे भी है, तो ये बाई एक्सियल कॉलम इसेंट्रिक कॉलम है, ओके। तो इस स्थिति में हम एक्सियल और बाई एक्सियल यानी इसेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन करते हैं, ओके। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आते हैं, तो ये वाली चीज क्या आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि ये क्या है गाइस, इस फुटिंग को बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। बाकी ये सारी फुटिंग्स जो है ट्रेपोजॉइडल फुटिंग। इस फुटिंग का नाम जो है गाइस वो ट्रेपोजॉइडल फुटिंग है, ट्रेपोजॉइडल फुटिंग जो है, और इसमें उसके अंदर जितने भी पार्ट होते हैं ये आपकी कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं। ये आपकी सेंट्रिक फुटिंग है, इसेंट्रिक फुटिंग, सेंट्रिक फुटिंग इसको बोलेंगे, ये सेंट्रिक है, सेंट्रिक के भाग नहीं है।
तो इसेंट्रिक फुटिंग है, इसेंट्रिक फुटिंग के अंदर एक्सियल और बाई एक्सियल फुटिंग है। ओके, अब ये कंबाइंड फुटिंग क्यों यहां पे प्रोवाइड की हुई है, इसलिए प्रोवाइड की हुई है गाइस कि यहां पे इसका जो कॉलम का वेट, जितना भी इसका लोड आएगा, तो यहाँ पे उसके लिए जितना स्पेस चाहिए फुटिंग के लिए उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा उससे पहले कि ये कॉलम आ जा रहा है। तो ये दोनों मतलब फुटिंग जो है कंबाइंड ही कर दी जाती है और दोनों कॉलम एक ही फुटिंग में आ जाते हैं, जिससे कि ये वाले कॉलम का जो लोड है यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होता है और इस वाले कॉलम का लोड है वो यहाँ तक ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से एक दूसरे को ये थामे रखते हैं जो कुछ भी, उसी तरह की आपकी कंबाइंड एक फुटिंग यहाँ पे दी गई है और एक यहाँ पे, यहाँ पे तीन फुटिंग जो है वो कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड की हुई है गाइस। तो इस तरह से गाइस अगर आप लेआउट करना चाहें तो लेआउट कर सकते हैं, ये पूरा लेआउट का ही है। और आपको हमने बता दिया कि ये जो F1 F2 क्या है, F1 F2 का इस फुटिंग को डिजाइन करने के लिए दिया गया है। जैसे आपका F1 साइज का फुटिंग एक तरह का डिजाइन हुआ है, टोटल देख लीजिए F1 साइज का। अब ये आपका जो F2 साइज का फुटिंग है, F2 साइज ये रहा, F2 साइज ये है, ये F2 साइज का फुटिंग है आपका। सेंट्रिक सेंट्रिक अलग है, F2 साइज का है जितना भी डिजाइन किया है वो F2 है। F3 का अलग है, F3 साइज का ये रहा, सिंगल ही है ये। F4 साइज का ये दो फुटिंग है, ये अलग डिजाइन किया गया। और F5 साइज का ये वाला है डिजाइन। कॉलम गाइस इसमें दो तरह के हैं, C1 एंड C2। तो C1 की जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो यहाँ पे दी हुई है, C1 एंड C2 की ये कॉलम है आपके। तो इसमें जो रेनफोर्समेंट इस तरह से डिटेल दी गई है, कॉलम की स्टील डिटेल ये है और फुटिंग की स्टील डिटेल ये है पूरे की। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी वीडियो वॉच कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।